हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजना भारद्वाज फिटनेस ब्लॉगर। तो दोस्तों, आज मैं कर रही हूँ अपना वर्कआउट नीचे। आई होप आप इसको भी पूरा देखोगे। आज मैं आपको आसपास का व्यू तो नहीं दिखा सकी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मैं बारिश में अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी आज। तो मैंने सोचा आज मैं आपको नीचे ही एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ और ना आज मैं आपसे बहुत ही ज्यादा यूजफुल एक्सरसाइज करवाऊंगी। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है कि पेट हमारा अंदर नहीं जा रहा है और बहुत सब कुछ ट्राई कर लिया बट पेट अंदर नहीं जा रहा है, तो आज मैं एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो पेट तो अंदर करेगी करेगी, साथ में जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, कहीं भी हो जाती है ब्लॉकेज, तो सारा वो दूर करेगी और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाएगी, स्टेमिना बूस्ट करेगी और आपका पेट भी बहुत जल्दी अंदर कर देगी। साथ में अगर आपको मैं सारा वर्कआउट आपको करके दिखाऊंगी, उससे क्या होगा, आपका पेट तो अंदर होगा होगा, साथ में हमारा वो फुल बॉडी फैट लॉस भी करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने सोचा आज मैं नीचे आपको दिखाती हूँ कैसे मैं कर सकती हूँ, क्योंकि नीचे मैं बोल सकती हूँ, ऊपर मैं बोल नहीं सकती क्योंकि अगर मैं जोर जोर से बोलूंगी तो सब मुझे देखने लग जाएंगे और अगर धीरे धीरे बोलती हूँ तो वो आपको आवाज नहीं आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं नीचे वर्कआउट करूँ तो वहां पे आपको बोल के करके समझा सकूं। तो गाइस, अगर आप आज से ही अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो अपनी एक्सरसाइज रोज करनी है, दूसरा खाने पीने का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाना है, रात को 7 बजे से पहले आपको डिनर कर लेना है। पता है क्या होता है, पेट हमारा क्यों बढ़ता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, ये तो एक तो कारण ये है कि चलो भाई लड़कियों की डिलीवरी हुई तो पेट बढ़ जाता है, वो समझ में आता है। लड़कों का क्यों बढ़ जाता है, लड़कों का एक तो बैठे रहते हैं, है ना, अगर उनकी कोई सिटिंग जॉब है तो बैठे रहेंगे तब भी पेट बढ़ जाता है। बाकी और भी बहुत सारे कारण है, अनहेल्दी खाना, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, मैदे वाली चीजें खूब खाना जो अक्सर हमारे पेट में जम जाती हैं और उनसे सबसे पहले हमारा पेट ही बढ़ता है। और लेट नाइट डिनर करना, डिनर आप लेट नाइट कर रहे हो और डिनर करते करते पता नहीं 2-3 गिलास आप पानी का पी लेते हो, ये भी एक बहुत गलत बात है। डिनर आप करते हो उसके आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है और डिनर आपको जल्दी करना है 7 बजे से पहले, और डिनर बिल्कुल हल्का फुल्का आपको करना है, ज्यादा हैवी डिनर नहीं करना है। मैं तो अक्सर जिनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, मैं तो उनको बोलती हूँ डिनर आप स्किप कर दो, डिनर करो पर 5:30 बजे कर लो, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो गाइस, आज मैं थोड़ा सा इस तरह से बैठ जाती हूँ, बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड अमेजिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से ऐसे जैसे मैंने पोजिशन बनाई है वैसे बनाना है, 1 ऐसे मतलब एक 4-5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, 1, 2 ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, ये हमारा पेट बहुत जल्दी अंदर कर देती है और ये आपको इजी भी लगेगी, ज्यादा टफ आपको नहीं लगेगी। मैंने इसकी कंटिन्यू 20 सेट कर लिए, आप 20-30 जितने भी करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको फास्ट फास्ट करके दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो गाइस, मैंने इसकी कर ली टोटल
50 सेट आपको इसके 100 करने हैं रोज। बहुत ही ज्यादा यूजफुल एक्सरसाइज है, 100 आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और ये एक्सरसाइज आपने कर लेना, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये हमारा पेट ही नहीं, हमारा फुल बॉडी फैट लॉस करेगी। पेट के लिए तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि इससे हमारे पेट पे बहुत जल्दी असर पड़ता है और बहुत जल्दी हमारा पेट कम हो जाता है, तो ये हमारा फुल बॉडी फैट लॉस भी करेगी। ओके, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। बैठ के हो गई। अगर आप और भी देखना चाहते हो कि बैठ के आप कौन कौन सी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब आपको इस तरह से बैठ जाना है दोबारा से, ठीक है। अब आप इस तरह से बैठ गए, इस तरह से अपनी टांगे फोल्ड कर लेंगे आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, अगेन हमारे बेली फैट के लिए और फुल बॉडी फैट लॉस के लिए। ओके, दोबारा से करती हूँ मैं इसके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, तो मैंने इसके 40 सेट कर लिए। अगेन आपको इसके धीरे धीरे जो है 100 तक कंप्लीट करनी है। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। कोशिश करो अगर आपको नीज में चुभ रहा है कुछ तो आप कुशन भी रख सकते हैं, कोई मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं रखना, थोड़ा हल्का सा कुशन वगैरह रख सकते हैं आप, छोटा सा पिल्लो वगैरह हो तो बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर पाओगे आप। ओके, ये मैंने आपको दो एक्सरसाइज बता दी कि आप बैठ के इस तरह से जरूर ट्राई करना, बहुत जल्दी आपका पेट अंदर चला जाएगा। अगर आप खड़े होके करना चाहते हो तो खड़े होके भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो मैं अक्सर आपको रोज ही बताती हूँ कि मैं आजकल अपना बैली पे बहुत काम करती हूँ। मुझे बैली की बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरा बैली बहुत जल्दी बढ़ जाता है, खास करके लोअर बैली फैट, पर इसको मैं कम कर लेती हूँ 2 दिन में। ओके, आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ लिए ऊपर, 1, 2, 3, नीचे फ्लोर को आप टच नहीं कर पा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है टच करने की, जहां तक भी आपके हाथ जा रहे हैं वहां तक लेके जाने हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, तो गाइस मैंने इसके कंटिन्यू 30 सेट कर लिए। बहुत ज्यादा आपको टफ नहीं लगेगी ये, आपके हाथ जरूरी नहीं कि फ्लोर को टच करने हैं, नीज तक भी जा रहे हैं इनफ है, वहां तक ही टच करो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ ये 3 एक्सरसाइज अगर आप इनके 100 सेट करते हो आपको 2 दिन में खुद ब खुद रिजल्ट दिख जाएंगे, आपका पेट सारा अंदर चला जाएगा, साथ में हमारा फुल बॉडी फैट लॉस भी करेगा। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का वर्कआउट, कैसा लगा मेरे को जरूर बताना।
अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो लेके मैं रोज आ जाती हूँ। बाय बाय।